गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी, किसी भी तरीके से स्टडी वगैरह में आपको प्रोवाइड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। जैसा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि अभी हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, और चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको मैग्नेट्स के बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आज मैं मैग्नेट के यूजेस बताऊंगा। कुछ यूज़ तो आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन कुछ यूजेज ऐसे होते हैं जिसको आप लोगों के बारे में पता नहीं होगा कि इन सब चीज़ों में भी मैग्नेट का यूज आता है। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियोज चैप्टर नंबर 13 के कंप्लीट वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब से आपको जो भी वीडियोज़ प्रोवाइड होंगे वो यूट्यूब के थ्रू ही प्रोवाइड होंगे। तो आप लोग अब सभी, और इसके अलावा भी जो भी चैप्टर्स हैं उनके भी वीडियो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड हो चुके हैं, और धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ अपलोड। और जो प्रेजेंट में हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, इसके 7 वीडियो लेक्चर तैयार कर चुका हूँ मैं, जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आज का जो वीडियो है ये भी आपको अपने यूट्यूब पर ही मिला करेगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, सभी वीडियोज़ को देखिए, समझिए, और उसको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप लोग YouTube पे सर्च करिएगा कुमार प्रवीण झा, और यहाँ पे हालांकि इसका मैं डेली अब लिंक प्रोवाइड कराया करूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सभी अपने चैप्टर्स को इस पर देखिए और समझिए, और कोई भी चीज़ नहीं समझा तो बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, इससे आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जब कभी भी आप वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर चालू करते हैं हम लोग, और सुनिएगा, यूजेज ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक के उपयोग। और इसके लिए आप लोग पेज नंबर 235 निकालिएगा। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 235 निकालेगा। चुंबक के उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं? सम इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ मैग्नेट्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ चुंबक के उपयोग निम्नलिखित हैं जो कि नीचे आपको दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पेज नंबर 235 निकालेगा, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूज ऑफ मैग्नेट टू कंपास निडल। एक तो उपयोग सबसे पुराना है कंपास निडल में, दिशा पता लगाने में मैग्नेट का यूज लेते हैं। द कंपास निडल पॉइंट्स नॉर्थ साउथ बिकॉज द अर्थ इज ऑल्सो ए गेंट मैग्नेट। कंपास में क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हमें पता चल जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी जंगल में हो, कहीं भी कुछ साइन बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, हमें पता नहीं हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, हमें कहाँ जाना है, तो हम कंपास के थ्रू डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। द कंपास लाइन्स अप विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। को कंपास जो है ना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है। नाउ दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल ऑलवेज पॉइंट्स टू अर्थ नॉर्थ पोल एंड कैन हेल्प टू मूव ए स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन वी विश। क्योंकि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ना, अर्थ के नॉर्थ की साइड ही अपने हमेशा रुकेगा, ठीक है, पॉइंटेड होगा। इसके हिसाब से हम अपना डायरेक्शन चूज करें, नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ, इधर क्या होगा, वेस्ट, इधर क्या होगा, ईस्ट, ठीक है ना। तो आप डायरेक्शन का पता आसानी से लगा सकते हो, कहीं भी आप भटकोगे नहीं। अगला सेकंड यूज, इट इज यूज्ड इन फैक्ट्री लिफ्टिंग हैवी मैसेज ऑफ आयरन लाइक स्कैर्प आयरन। फैक्ट्रियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोहे के कवाड़े वगैरह उठाने के लिए, हैवी जो लोहे के कचरे वगैरह होते हैं, जो अनयूज्ड आयरन्स होते हैं उनका उठाने के लिए हम आयरन का उपयोग करते हैं, सॉरी मैग्नेट का उपयोग करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू सर्जन्स ऑफ हॉस्पिटल टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द वाउंड्स। इसका उपयोग सर्जन वगैरह भी करते हैं, मान लो कोई लोहे की आलपिन या लोहे का सिक्का वगैरह कहीं हमारे बॉडी में चला गया, उसको बाहर निकालने में मैग्नेट का ही यूज़ लिया जाता है। अगला पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीफोन इलेक्ट्रिक बेल्स। इसका उपयोग टेलीफोन में इलेक्ट्रिक बेल में भी किया जाता है, इसी के कारण हमें साउंड सुनाई देता है, साउंड दूर दूर तक जाती है, और स्पीकर वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो आप आने वाले समय में जानोगे कैसे लाउड स्पीकर्स में मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ब्रेस एल्यूमिनियम ईटीसी। इसका उपयोग मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग अलग करने में, हम जैसे मान लो आयरन और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मिक्स हो गया, हम अलग अलग करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, मैग्नेट के थ्रू हम दोनों ही मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमें समय टाइम भी कम लगेगा और आसानी से हम अलग कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का आपका यूजेज ऑफ मैग्नेट।
मैं आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और वीडियोज को अच्छी तरीके से देखिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे इस वीडियोज को देख रहे हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।